नमस्कार दोस्तों, यूथ इन्फो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पाठ योजना से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं जो शिक्षकों से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पाठ योजना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसे बनाना कितना ही उपयोगी है हमारे और बच्चों के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक लेटर इशू हुआ था जिसमें कहा गया था कि 3 से 4 बजे का जो टाइम है शिक्षकों के लिए, उसमें पाठ योजना बनाना है। दोस्तों, ये काफ़ी उपयोगी चीज़ है। पाठ योजना बनाना निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी है। बिना योजना के कक्षा में जाना ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी सेनापति का बिना व्यू रचना के रणक्षेत्र में जाना। दोस्तों, पाठ योजना से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ, संबंधित कुछ बताना चाहता हूँ कि अपनी कक्षा में बेहतर शिक्षण के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, लेकिन सबसे आवश्यक यह है कि कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है उसके लिए एक योजना बनाई जाए। इस योजना को पाठ योजना कहा जाता है। तो कारगर पाठ योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाठ योजना बनाना कक्षा में प्रभावी आदान प्रदान के लिए पाठ योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी से संबंधित कुछ बातें आज मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ देखिए, यह जानने के लिए कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप यह क्यों पढ़ाना चाहते हैं, विद्यार्थी को इसके बारे में पहले से कितना पता है, यह पढ़ाने में आपको कितना समय लगेगा, पढ़ाने के लिए आपको कक्षा में किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आप चरण दर चरण कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कैसे जानेंगे कि विद्यार्थी सीख गए हैं। दोस्तों, मैक्सिमम हमारा 45 मिनट की घंटी होती है और 45 मिनट की घंटी में ही हमें बच्चों को लिखाना भी है, पढ़ाना भी है, समझाना भी है, उनसे सवाल जवाब भी करना है, उनके पॉइंट व्यू को भी जानना है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज़ों के बारे में। तो इतने कम समय में पाठ योजना बनाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसी हिसाब से हम बच्चों को पढ़ा सकें कि बच्चे क्या चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं, बच्चों को हमें क्या सिखाना है। अगले स्लाइड में जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक आपको टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स में कि अच्छा भोजन बनाने के लिए पता होना चाहिए कि भोजन कैसा बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या और कैसी सामग्री चाहिए होगी और कितना समय लगेगा। उसी तरह अच्छे शिक्षण के लिए भी आपको योजना बनाना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात इसमें मेंशन है। दोस्तों, अगले स्लाइड में चलते हैं। उद्देश्य, पाठ योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को तय करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि विद्यार्थी कौन सा काम पूरा करेंगे। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि विद्यार्थी कौन सा काम पूरा करेंगे, कौन सी विषय वस्तु आप चाहते हैं कि वे सीखें, वे किन परिस्थितियों में यह सीखेंगे। माहौल भी काफ़ी मायने रखता है विद्यार्थियों के लिए ताकि वहाँ के आसपास की जो परिस्थिति है उस हिसाब से हम बच्चों को सिखा सकें। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है कि विद्यार्थी फूलों को देखने और मिलते जुलते फ्लैश कार्डों से उनका मिलान करने के बाद फूल के भागों को चिन्हित करेंगे, उनके लिए रेखाचित्र बनाएंगे, नामांकित करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप अपने तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, विद्यार्थी क्या और कैसे सीखें, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं शुरुआत कैसे करें। विद्यार्थियों को जानना और उन्हें कक्षा में सहज वातावरण उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है, तभी वे सीखने के लिए तैयार होंगे। विद्यार्थी स्वयं यह सब ग्रहण करने को तैयार नहीं होते हैं जो आप पढ़ाते हैं, उनमें रुचि पैदा करें, उनका ध्यान आकर्षित करें, उनके पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाएं। शुरुआत गीत, खेल या किसी ऐसी तस्वीरों से कर सकते हैं जो उन्हें विषय पर सोचने और उसके बारे में बात करने की ओर ले जाए। दोस्तों, जहाँ तक मैंने रीड किया हुआ है, बच्चों को वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो उनको अट्रैक्ट करें। यानी कि अगर उनसे आप क्लास में टीचिंग के दौरान अगर आप छोटे छोटे जोक करते हैं, क्लास में जोक सुनाते हैं थोड़ा बहुत मेहनत। दोस्तों, आपको बच्चों को अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, उन्हें समझाना है, तो उनकी रुचि को देखना पड़ेगा कि उनकी रुचि किस चीज़ों में है। अगर क्लासरूम में उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो आप क्लास के माहौल को भाप लीजिए और उसी माहौल में अपने आप को ढालते हुए कोई और चीज़ उनको बताना शुरू कर दीजिए ताकि वो उनको अच्छा लगे, और जैसे उनको अच्छा लगेगा फिर धीरे 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 अपने सब्जेक्ट की तरफ लेकर आइए। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। समय किसके लिए कितना। 45 मिनट की घंटी होती है, इसे पहले ही मैंने बताया था, और इस 45 मिनट की घंटी में ही हमें बांटना है
कि किसको कितना हम समय देंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि तय करें कि निश्चित समय में कितना काम किया जा सकता है, योजना के खंडों में बांट दें ताकि किस तरह बदलाव की स्थिति में गति को कम या अधिक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 11 से 11 10 प्रारंभिक गतिविधि आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, सब कुछ आप यहाँ से अपना आकलन भी कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है अक्सर कि पढ़ाने के दौरान हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर हम क्लास में गतिविधि कराते हैं तो वो ज़्यादा ही बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए, मतलब गतिविधि से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। यानी कि थियोरेटिकल जो हम लोग पढ़ाते हैं अगर उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके हम बच्चों को गतिविधि के माध्यम से उस चीज़ को समझाएं तो बच्चे बड़ा जल्दी ही कैच करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें उस अपने इस टाइम लिमिट में ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक छोटा हल्का फुल्का गतिविधि ऐसा करावे कि बच्चे क्विक उसका रिस्पॉन्स मिले, उनके दिमाग में कैच हो जाए वो चीज़ें। ओके दोस्तों, चरण पाठ की चरण दर चरण योजना बनाएं। उदाहरण के लिए एक फूल का अवलोकन और चीड़फाड़, फ्लैश कार्ड का मिलान, फूलों के भाग रेखाचित्र, उन्हें नाम देना आदि। प्रत्येक विद्यार्थी अपने ढंग से सीखता है, कुछ पढ़ और समझ सकते हैं, कुछ को देखना और सुनना आवश्यक लगता है, जबकि कुछ अपने हाथों से करके सीखना चाहेंगे। सीखने की इन सभी तरीकों को जगह दीजिए। जो विद्यार्थी जैसा चाहता है आप उसको उसी हिसाब से सिखाइए, जिसको जिसमें रुचि है। सबसे पहले उनके रुचि को हमको पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद से ही उसको समझाना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अकेले या टोली में काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आपको गतिविधि करा के, तो गतिविधि ग्रुप में भी करा सकते हैं, एकल गतिविधि भी करा सकते हैं आप। फिर अपने द्वारा गतिविधि कराते हुए सभी बच्चों को एक साथ ग्रुप में भी समझा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने के लिए कुछ समय दें। कुछ तेज़ी से सीखते हैं, कुछ को अधिक समय लग सकता है। बिल्कुल सही बात है, हर तरह के बच्चे होते हैं हमारे क्लास में, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें देख के चलना पड़ेगा क्लास में। ओके दोस्तों, सोच विचार कक्षा में के अंत में कम से कम 10 मिनट अलग से रखें ताकि विद्यार्थी प्रश्न पूछ सके। जाहिर सी बात है ट्रेनिंग में भी हमें बताया जाता है कि जब हम क्लास ले लें तो क्लास के लास्ट में 5 या 10 मिनट का टाइम ऐसा रखें जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो सवाल पूछ सकें और हम उनके सवालों का जवाब देख सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे सवाल पूछते हैं और बच्चे ही उनका जवाब देते हैं, यानी कि जो बच्चे उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं वो उसका जवाब देते हैं और जो थोड़ा नहीं समझे होते हैं वो उस जवाब को सुन के सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हमें बस मुहर लगाना होता है कि हाँ चलो ये तो आपने जो बताया है आपकी बातें अच्छी हैं, आपने जवाब अच्छा दिया है। शुरुआत चर्चा के रूप में हो सकती है और बाद में खोजी प्रश्न हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने जो टॉपिक पढ़ाया है क्लास में उस पर हम चर्चा भी करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि जस्ट लाइक हम ईंधन टॉपिक ले लिए तो सबसे पहले बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं क्लास में कि ग्रुप आप बताइए कि ईंधन क्या होता है, तो बच्चे अपनी अपनी समझ से बताएंगे कि ईंधन होता क्या है। तो ऐसा जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बच्चे अपने हर बच्चों से राय ले सकते हैं। उसके लिए 5 से 10 मिनट समय निकालिए और फटाफट सबका विचार जानिए। उसके बाद यह समय स्पष्टीकरण के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, शंका और समाधान अगर कोई आता है स्टडी के दौरान तो हम उसको समाधान करेंगे। उनमें उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी, उनको जो भी शंका होगी, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। फूलों पर पाठ के दौरान उससे संबंध कविताएँ, गीत, कला, हस्तशिल्प, नृत्य आदि के माध्यम से कक्षा को जीवंत बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी को विभिन्न विषयों के आपसी संबंध को भी समझ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। निष्कर्ष, पाठ का अचानक अंत कर दिया जाए तो शिक्षार्थी जो है असहज महसूस करते हैं। बेहतर होगा कि विद्यार्थियों को सार में बता दिया जाए कि उन्होंने क्या सीखा। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं क्लास में और वो कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं और टॉपिक बहुत लंबा है तो जितना भी पढ़ाएं उसको पढ़ाने के दौरान एक बार उसका सारांश उन बच्चों को बता दिया जाए, सार उसका बता दिया जाए कि जितना चीज़ हमने अभी पढ़ाया उसका लाइन बाय लाइन थोड़ा बहुत सारा डिटेल्स एक बार उनको फिर से रिकवर करा दिया जाए ताकि वो दोबारा सीख लें। स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ प्रश्न अनुत्तरित न छोड़े जाएँ और विद्यार्थियों को सोचने तथा अधिक जानने के लिए प्रेरित न किया जाए। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष को स्पष्ट देना चाहिए तो उसके लिए समय भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, क्लास आपकी है, आपको ही टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाना पड़ेगा। कैसे पढ़ा सकते हैं? आकलन, पूरे पाठ के दौरान अलग अलग समय
पर समग्र तथा निरंतर आकलन जारी रह सकता है। मिसाल के तौर पर आप विद्यार्थी का निम्नलिखित बिंदुओं पर आकलन कर सकते हैं: अवलोकन और चर्चा, टीम के साथ काम, फ्लैश कार्ड का मिलान, चित्र बनाना, नामांकित करना, शोध कार्य आदि। केवल याददाश्त जांचने वाले प्रश्नों की बजाय ऐसे प्रश्न पूछें जो विद्यार्थियों को कल्पना, तुलना और अंतर करने, आंकने, जांचने और अवधारणाओं को लागू करने के लिए प्रेरित करें। आकलन का संबंध पाठ के उद्देश्य से होता है। आकलन से निकल कर आना चाहिए कि उद्देश्य पूरे हुए या नहीं है। जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमारे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो समझ में बच्चों को आया कि नहीं आया, बच्चे उस उद्देश्य को समझे कि नहीं समझे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तब गृह कार्य का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है: फिर से दोहराव और आकलन, उदाहरण फूल का रेखाचित्र बनाना और फूल को फूल के भागों के नाम लिखना, शोध मिसाल के तौर पर अड़ोस पड़ोस में आम तौर पर पाए जाने वाले 10 फूल और उनके नाम जानना। दिए गए शोध कार्य विद्यार्थियों के माता पिता और समुदाय को भी जोड़ा जा सकता है। बच्चे अपने आसपास के तथ्यों की जानकारी परिवार के सदस्यों और अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, गृह कार्य मजेदार होना चाहिए ताकि बच्चों का उसे करने में मन करे। बार बार किए जाने वाले निरर्थक अभ्यासों से बोरियत ही पैदा होगी। तो दोस्तों, आप अपने तरीके से भी गृह कार्य ऐसे बच्चों को दें जैसे कि बच्चों को इंटरेस्टिंग हो, उनका मन लगे वो गृह कार्य करने में और उनको मजा आए। ओके दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक संपूर्ण पाठ योजना में यह सब होना चाहिए: विषय जो पढ़ाया जाना है, विषय वस्तु, उप विषय वस्तु, किस कक्षा ग्रेड के लिए है, संसाधन जिनकी आवश्यकता होगी, समय जो पाठ पूरा करने के लिए आवश्यक होगा, पाठ के उद्देश्य, पाठ योजना के चरण, सोच विचार और दोहराना, आकलन गृह कार्य। कक्षा में स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक ढंग से पाठ योजना से हटकर भी काम करने को तैयार रहें, लेकिन समय रहते विद्यार्थियों को वापस विषय या गतिविधि पर ले आए। बिल्कुल, पढ़ाने के दौरान कभी कभी हम लोग सब्जेक्ट से हट भी जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा सब्जेक्ट पे लेके आना पड़ता है बच्चों को। कक्षा के बाद पाठ योजना पर विचार करें, क्या कारगर रहा, क्या नहीं और क्यों, क्या आप अगली बार इसी पाठ को अलग तरीके से करेंगे। बिल्कुल, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं कि इससे क्या बेहतर हो सकता था और आने वाले समय में और क्या बेहतर कर सकते हैं। पाठ योजना बनाने का आनंद लें, पाठ योजना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, और इस पाठ योजना बनाने के बाद पढ़ाने का मज़ा भी अलग बदल जाता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, पसंद आने पे मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय शिक्षा।